एसी ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूज में है हमारे एसी ब्लॉक में, देख सकते हो हमारी एसी ब्लॉक की वॉल है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेलिंग समझाएंगे कि एसी ब्लॉक होता क्या है, एक्चुअल में इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, वो आज हम आपको इस बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा यूट्यूब चैनल सिविल क्रिएटर से। अगर आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट क्लियर ना हो तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारे एसी ब्लॉक है। तो दोस्तों, ये होता क्या है, जब एसी ब्लॉक में हमारे हाई प्रेशर पे इसको स्टीम के साथ क्यूलिंग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यह एसी ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 451 केजी पर क्यूबिक मीटर से 750 केजी क्यूबिक मीटर होती है इसकी, ठीक है। इसकी क्या है, जब हम एसी ब्लॉक को यूज करते हैं तो ये कॉस्ट को इफेक्टिव कॉस्ट को भी इफेक्ट करता है अपनी बिल्डिंग को। जैसे कि क्या है कि ये एसी ब्लॉक जो है हमारे लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट होने की वजह से होता क्या है कि जो हम स्ट्रक्चर अपना जो स्ट्रक्चर का जो डेड लोड होता है उसको ये कम करता है। और जैसे कि जो भी हम इसमें स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उस स्ट्रक्चर में हम लेस जो भी हमारी स्टील है उसको लेस कर सकते हैं 20%। अगर हमारी पूरी बिल्डिंग्स के अंदर अगर हम एसी ब्लॉक्स को यूज करेंगे तो इसका मतलब है हमारा लगभग जो कॉस्ट है हमारी उसकी स्टील की 20% तक कम हो सकती है। और वहीं हम इसको इसके लेबर वगैरह सारी चीज़ों को मिला के 30% उसको भी हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो एसी ब्लॉक जो है इनको लगाने के लिए मेन पावर भी कम चाहिए होती है, लाइट वेट होता है, ऊपर से इसके साइज भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसको लगाने में आसानी रहती है और ये कॉस्ट को इस तरह से कट करते हैं। सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी भी होती है इसकी, सभी वेदर में ये अच्छा वर्क करता है। और जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ये आर्टिकल रेजिस्टेंस की पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि देख सकते हो सबसे ज्यादा जहाँ आप जाते हैं वो है जापान, जापान में भी आजकल एसी ब्लॉक बहुत यूज होता है। इसका जो वेंटिंग पॉइंट है वो 1600 डिग्री सेल्सियस पर है। जब हम एसी ब्लॉक यूज करते हैं तो दोस्तों हम इसमें एक कॉस्ट भी डील कर सकते हैं प्लास्टर की, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको प्लास्टर करते हैं इवन सरफेस है सारी ब्रिक्स में इतनी नहीं मिलती हमें इवन सरफेस है इसकी, तो हम इसमें प्लास्टर की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2 फुट प्लास्टर हमें करने की जरूरत नहीं है अगर हम अच्छा प्लास्टर करना है। दूसरी चीज, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डायरेक्टली इसके ऊपर जिप्सम प्लास्टर या पीओपी कर भी कर सकते हैं और इसकी सरफेस हमें एकदम स्मूथली मिलेगी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि क्या जिप्सम, अगर जिप्सम इसके लिए बेस्ट चीज बताई जाती है, जिप्सम करने से पहले इसको क्रैक से बचाने के लिए हम इसके ऊपर फाइबर मैस अदरवाइज चिकन वायर मैस हम इस पर लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत इफेक्टिव है। और दूसरी चीज, इससे एक फायदा हो रहा है, जैसे कि होता क्या है कि अब आप देख सकते हो इसमें जॉइंट हमारे कम से कम होते हैं। और क्या है, जो हमारी हमने देखा कि हमारी बॉल्स के अंदर टर्माइट्स लग जाती है, जो एंटी टर्माइट्स भी इसको बोल सकते हैं, जो क्योंकि क्या टर्माइट्स इसके अंदर कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कोई भी होल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कोई पॉइंट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो जब हम अब आता है कि हम इसको किस तरह से यूज करें, किस तरह से स्टैक करें, दोस्तों उसके लिए होता क्या है कि जो भी हमारी इंटरनल वॉल्स है वहां पे हम इसकी जो साइज है वो 115 mm साइज का हम एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पार्टीशन वॉल्स और जो और देखा जाए जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स है, एक्सटर्नल वॉल्स मतलब मेन वॉल्स जो है हमारी, उनको हम 225 mm ठीक में रख सकते हैं। ये वॉल्स इस तरह से यूज होंगी इसकी। इसके अलावा जो इसका हम स्टैक जब हमारे हमने ऑर्डर किया मटेरियल हमारे पास आया था, हम इसका जब स्टैक करेंगे तो दोस्तों ये हमारा देखना बहुत जरूरी है कि वो स्टैक सरफेस जो है बहुत ही ड्राई हो और प्लेन हो, उसके बाद ही हम इसको स्टैक करेंगे। ये भी देखना होगा कि ये जो एसी ब्लॉक जितने भी है पानी वाटर से प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, मतलब यह वाटर यहाँ इसके आसपास नहीं होना चाहिए या वाटर इनके ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब गीले नहीं होने चाहिए। और इनको हम यूज में कब लाना चाहिए, अगर जैसे कि जब एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चर, ये भी हमें ध्यान रखना कि जब एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चर होते हैं उसके 5 दिन बाद ही हमारे ये यूज हो सकते हैं, हम 5 दिन को हम इन्हें रेस्ट करते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से कह सकते सूख जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हमें यूज करना अच्छा रहता है। और दोस्तों अगर हम इसमें अगर मोटार यूज करते हैं तो दोस्तों इसकी जो मोटार है उसका जो रेशियो 1:4 और 1:6 जरूर रहना चाहिए। जो हमने एसी ब्लॉक स्टार्ट किया, जब हम एसी ब्लॉक की
करेंगे इसका, तो होता क्या है, जो हमारी पहली लेयर है उस पहली लेयर को हम सीमेंट मोर्टार से बिछाते हैं, 10 mm की सीमेंट मोर्टार को हम लेवल करेंगे, उसके ऊपर पहली पहला एसी ब्लॉक को रखेंगे, उसके बाद इसके ब्रेकर इसको जो ब्लॉक वर्क है वो करते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको बता, अगर इसमें हम मोर्टार यूज कर रहे हैं तो उसका रेशियो 1:4:1:6 रहेगा, जिसकी थिकनेस 10 mm रहनी ही चाहिए। और उसके अलावा हम इसको सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है वो है इसका एक ब्लैक बोल्ट आता है, केमिकल आता है इसकी ईयर के लिए, उस केमिकल को हम ज्यादातर 3 mm से 5 mm की थिक में ही प्रोवाइड करते हैं, और वो सबसे अच्छा इसका हमें ब्लॉक वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा केमिकल है, जो कि मोटार से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए रहता है। लेयर उसकी कम बनती है जिसकी वजह से इसमें होल्स रहने के चांसेस कम रह जाते हैं। अब आता है कि जब हम ब्रिक्स वगैरह को यूज करते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से पानी में मर्ज करनी पड़ती है, समझ करनी पड़ती है, पानी में डोनी पड़ती है, इसकी राशि शूरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद यूज करते हैं। लेकिन ए सी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, ए सी ब्लॉक में जितना पॉसिबल हो सके हमें वो सुधार होना है। अगर हमें पानी में डिप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही हमने कोई पानी का पानी भर के कोई ड्रम या कुछ भी रखा है चौक रखा पानी का, उसमें हमें ए सी ब्लॉक को चट डिप करना है, इमिडिएटली बाहर निकालना है, उसको थोड़ा ज्यादा से देर नहीं रहने देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट उससे ज्यादा ना रहे, अंदर अंदर बाहर निकालते हैं उसको लगाते हैं। डालते क्यों है, डालते इसलिए है कोई उसकी हमें क्यूरिंग नहीं करनी, जबकि हमें सिर्फ उसको जो डर्ट लगी है उसको हटाना है, जिससे डर्ट हट जाए और हमारा लेयर लगती चली जाए। और दोस्तों लेयर में सबसे बेहतर है कि अगर हम यहाँ पे अपना केमिकल जो लगा रहे हैं अगर उसके अंदर अगर ग्लास फाइबर पेस्ट लगाए वो बहुत अच्छा तरीका है, उसको जरूर लगाना चाहिए। अगर हमारी बॉल की थिकनेस, अगर हमारी बॉल की थिकनेस 4 इंची है तो फाइबर मैश जो लगेगा वो 3 इंची का लगेगा, अगर हमारी जो बॉल है अगर वो बॉल हमारी 8 इंची की है तो उसकी जो फिट है फाइबर मैश की वो हम उसको 6 इंच रखेंगे, इस तरह से हम अपना पूरा करते चले जाएंगे। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज और है, अगर हम इसका बॉन्ड ब्लॉक वर्क करा रहे हैं तो ब्लॉक वर्क में क्या है, या तो हम तीन लेयर के बाद एक हमें आरसीसी बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज 1200 mm हाइट के बाद तो हमें जरूर ही ये एक कॉन्क्रीट, आप देख रहे हो ये कॉन्क्रीट बॉन्ड, ये हो गया हमारा ठीक है आरसीसी बॉन्ड, ये हमने प्रोवाइड कराया है ठीक है, बॉन्ड बीम भी बोलते हैं इसको, ये हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें मिनिमम जो डायरेक्ट 8 mm मिनिमम डायरेक्ट होनी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे 1200 हाइट के बाद, तब उसके ऊपर आगे से अपना ब्लॉक चालू करेंगे, ये इसमें प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आता है इसकी क्यूरिंग, तो क्यूरिंग के लिए क्या है कि दोस्तों कभी भी इस पे क्यूरिंग हम बाल्टी या बकेट वगैरह से नहीं करेंगे ठीक है, और जब भी क्यूरिंग करेंगे इसके सिर्फ हमें सिर्फ ये जॉइंट्स पे ही क्यूरिंग करनी है, इसपे इसके जॉइंट्सों पे ही क्यूरिंग करनी है, जॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सीमेंट के ऊपर ही क्यूरिंग करनी होती है, इसीलिए हम सिर्फ जॉइंट्स पे क्यूरिंग करेंगे और जितना भी पॉसिबल हो ब्लॉक के ऊपर क्यूरिंग नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है क्यूरिंग होता है कि क्यूरिंग कितने टाइम करनी चाहिए, तो दोस्तों दिन में हम 2 बार क्यूरिंग कर सकते हैं जॉइंट्स के ऊपर और मैक्सिमम 7 डेज तक। अब आता है ये हमारा बॉल तो हमारी खड़ी हो चुकी है, हमारा हो चुका है, अब उसके बाद आता है प्लास्टर। तो दोस्तों प्लास्टर के लिए क्या करना होगा, तो एक चीज है कि प्लास्टर से पहले जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक्स को हम खूब शो करते हैं वाटर, लेकिन इसके इसमें उलट है, इसमें हम पानी से शो इसे नहीं करते हैं, जितना भी हो इसे सूखने पे ही हमें प्लास्टर करना है। और बिफोर प्लास्टर हमें इस पर चिकन वायर में या फाइबर ग्लास को इस पर लगाएंगे ठीक है, वो हमें बहुत जरूरी होता है लगाना, जिससे कि इसमें क्रैक प्रोवाइड ना हो, क्रैक से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हम पूरी वॉल पे लगा सकते हैं, अदरवाइज जैसे देखिए अदरवाइज ये चीजें हैं, ये हमने यहाँ चेस कट की, कोई भी अपने कंट्रोल पाइप डालने के लिए चेस कट की, इस चेस कट के ऊपर 300 mm का, ये 300 mm का हमें यहाँ पे अपनी चिकन वायर में कम से कम इसमें तो प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज जो भी हमारे जॉइंट्स बनते हैं आरसीसी और एसी ब्लॉक का जो भी जॉइंट बनेगा यहाँ पे भी हमें वो चिकन वायर मैश प्रोवाइड करनी होगी ठीक है, देन उसके बाद ही हम इसमें प्लास्टर करेंगे, यही एक अच्छा तरीका था। दोस्तों ये थी हमारी एसी ब्लॉक के बारे में जानकारी जो आज कल बहुत यूज हो रहा है, अगर आप अपने घर में भी इसे यूज करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, लेबर कॉस्ट भी कम लगती है इसके अंदर,
और लगभग तक ये इसकी कॉस्ट जो पड़ती है प्रचलित कॉस्ट वो लगभग से लमसम बराबर ही रहती है ब्रेसलेट, इसलिए ये और बेहतर है। उससे साउंड रेजिस्टेंट भी है और सबसे अच्छी बात है इसकी ये जो हमें जो प्रोवाइड कराता है जब हमारी गर्मी रहती है तब ये हमको एक ठंडा फील कराता है, यानी कि जब गर्मी रहेगी तब ये एसी ब्लॉक ठंडे रहते हैं और जब ठंड होती है तब ये गर्म रहते हैं, इस तरह से एक आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।